नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रीता भादुड़ी, वो नाम जिसे दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया। पिछले 5 दशकों से टेलीविजन की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं रीता भादुड़ी। उन्होंने न सिर्फ सीरियलों में काम किया बल्कि कई फिल्मों में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। उनका निधन हो गया। रीता भादुड़ी 10 दिनों से ICU में एडमिट थी, जहाँ उनकी किडनी खराब होने के कारण मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पल। हर चुनौती का सामना करती थी वो। टीवी शो निमकी मुखिया की इमरती देवी लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रीता भादुड़ी का करियर 3 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। रीता ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी फेमस फिल्में हैं जूली, राजा, बेटा, दिल विल प्यार व्यार। बीमारी के बावजूद वो अपनी टीवी शो निमकी मुखिया में इमरती का किरदार निभाते दिख रही थी। वो हर चुनौती का सामना करने वालों में से थी। रीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीमार हैं, कमजोर नहीं, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो काम नहीं छोड़ सकती। रीता भादुड़ी का जन्म 4 नवंबर 1955 को लखनऊ में हुआ था। रीता भादुड़ी को आखिरी बार स्टार भारत के शो निमकी मुखिया में इमरती देवी के रोल में देखा गया था। रीता भादुड़ी ने लगभग 30 टीवी शोज में काम किया था, जिनमें से कुछ फेमस शोज हैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई, छोटी बहू, कुमकुम और खिचड़ी। रीता को 1979 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन को आने दो से इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। रीता भादुड़ी 1970 के दशक से फिल्मों में सक्रिय थी और उन्हें 1990 के दशक तक फिल्मों में माँ और दादी का रोल निभाते देखा गया, लेकिन लंबे समय से अब वो छोटे पर्दे पर ही नजर आ रही थीं। रीता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में तेरी तलाश में से की थी। इसके बाद उन्हें 1974 में कमल हसन के साथ मलयालम फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद कमल हसन इसी मलयालम फिल्म कन्याकुमारी से इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे थे। रीता भादुड़ी को इस फिल्म में पहचान पाना काफी मुश्किल है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रीता भादुड़ी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का भी जाना पहचाना चेहरा है। कई बार रीता भादुड़ी को सरनेम की वजह से बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी की बहन समझ लिया जाता था, जिससे वो कई बार गुस्सा होती थी और कहती थी कि कितने साल हो गए बताते बताते कि मेरा जया भादुड़ी से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी लोग समझते ही नहीं। रीता भादुड़ी को फिल्मों से ज्यादा टीवी में काम करना पसंद था। उनका मानना था कि फिल्मों में महिलाओं के लिए केंद्रित रोल मिलना मुश्किल होता है। पिछले एक इंटरव्यू में रीता ने कहा था कि बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों से डरना नहीं चाहिए और क्यों बीमारियों के डर से अपना काम छोड़ दें। मुझे काम करना पसंद है और बिजी रहना भी। मुझे हर वक्त अपने खराब सेहत के बारे में सोचना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं खुद को बिजी रखना पसंद करती हूँ। रीता भादुड़ी का 62 साल की उम्र में निधन होना एक बड़ी क्षति है मनोरंजन के क्षेत्र के लिए। वो कई दिनों से किडनी की समस्या से जूझ रही थी। उन्होंने करीब 70 फिल्मों और 20 से ज्यादा धारावाहिकों में काम किया था। फिलहाल वो स्टार भारत चैनल पर प्रसारित होने वाले निमकी मुखिया में दादी के किरदार में नजर आ रही थी। खबरों के मुताबिक रीता को हर दूसरे दिन डायलिसिस पर रहना पड़ता था। वो करीब 10 दिनों तक वेंटिलेटर पर थी। उनकी विरासत हीरो नंबर 1, रंग और दलाल के साथ जूली, अनुरोध, हुलन देवी, घर हो तो ऐसा, बेटा, लव, रंग, तमन्ना और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कभी हाँ कभी ना, क्या कहना जैसी कई फिल्मों में भी काम किया और इन सभी फिल्मों में वो चर्चित रहीं। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, कुमकुम और अमानत धारावाहिक में यादगार भूमिकाओं के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक नई पहचान और बाइबल की कहानियां समेत कई शो का भी अहम हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा रीता नागिन और सुहागन जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। काम के लिए बहुत ही डेलिकेटेड हुआ करती थी रीता। सीनियर एक्टर होने के बावजूद भी बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थी और अपने शो के कलाकारों के साथ घुल मिल कर रहा करती थी। यही वजह थी कि यंग एक्टर्स उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। उनके काम के प्रति लगन देखकर ही निमकी मुखिया का शूटिंग शेड्यूल उनके सहूलियत के हिसाब से तय कर दिया जाता था। उनका कहना था कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इतने सपोर्टिव और समझने वाले कास्ट और क्रू के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसे लोगों के साथ काम करना आपको और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। शो निमकी मुखिया को दर्शकों से खासी सराहना मिली थी। रीता अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड थी और वो अपनी खराब सेहत के बावजूद भी अपनी शूटिंग को पूरा करती थी। जब भी उन्हें खाली समय मिलता था तो वो सेट पर ही आराम कर लिया करती थी। तो वाकई जिंदगी को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आज एक बार फिर एक जाना पहचाना चेहरा हमारे बीच नहीं है,
फिल्मों में और टेलीविजन में उनके अहम योगदान के लिए रीता भादुड़ी को हमेशा याद किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।